स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीवी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 3 आरोपियों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी और इसी गुप्त जानकारी के आधार पर कोन गांव से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 12 मोबाइल फ़ोन, एक टैब, एक लैपटॉप, कुल जिसकी कीमत 1,97,400 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि ये तीनों आरोपी कोन गांव के एक लॉज से आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने का काम किया करते थे, लेकिन अब ये पुलिस के गिरफ्त में। अभी जो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं उसके हिसाब से बेटिंग के भी कुछ इंसिडेंट से सामने आ रहे हैं, उसके तहत कार्रवाई करने के आदेश माननीय पुलिस आयुक्त थाना शहर आशुतोष डुमरे सर ने दिए थे। उसके हिसाब से खंडनी विरोधी पथक ने इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसके ऊपर एक ट्रैप आयोजित किया था। इसमें एसीपी स्पेशल टास्क फोर्स शेखर बागड़े साहब, एसीपी डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब, एपीआई टरमाड़े साहब, एपीआई गोरे साहब, पीएसआई राठौड़ साहब, एपीआई कापटनीस साहब और उनकी पूरी टीम, इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। कोनगांव में एक होटल है, वहाँ पे ये बेटिंग वाले बैठे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन थी। उसके हिसाब से उन्होंने ट्रैप आयोजित किया, उसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। ट्रैप में इसमें 3 आरोपी है, शानू ललित बेरीवाल, रजत बाबूलाल शर्मा, विजय देवगन। ये तीनों रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, यहाँ पे रूम हायर की थी 24 तारीख से और यहाँ पे बेटिंग कर रहे थे। तो इसमें रेड के दौरान ही तीनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं। लगभग 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैब इसमें पूरा हमने सीज किया है और इसमें लगभग 1,97,000 का मुद्देमाल इसमें जब्त किया गया है। और कोनगांव में ये पुलिस स्टेशन 420 के तहत और जुगार एक्ट के तहत दाखिल हुआ है। इसमें जो ऐप यूज़ हुए है वो शुभ लाभ करके एक ऐप है, ताज 777 करके एक ऐप है और सन सुपर असिस्टेंट करके ऐप है। तो ये ऐप में ये सब बेटिंग कर रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ रिवील हुआ है, आगे भी कुछ लिंक्स है, उसमें और भी कुछ लोग अरेस्ट होने वाले हैं। तो ये जो आईपीएल का मौसम चल रहा है, इसमें ये बेटिंग करने वाले लोग जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आए हैं, तो बहुत ही अच्छा ट्रैप लगा के और बहुत ही अच्छा डिटेक्शन यहाँ पे खंडनी विरोधी पथक ने यहाँ पे किया है और आगे भी इसमें कुछ लोग अरेस्ट होंगे और आगे भी जो हायर लेवल के कुछ इसमें बुकीज रहते हैं और लोअर लेवल के कस्टमर्स रहते हैं और इसमें जो पूरा पैसे का साइपनिंग रहता है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे इसमें कुछ रिवील होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक्चुअली ये जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल में जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या इसके या ऑनलाइन ये इनका ऐप है, उसमें ये फॉरवर्ड करते कि इसके ऊपर आपको पैसा डालेंगे तो आपको दुगनी मिलेगी, तिगनी मिलेगी, ऐसा करके ये करते ऐप का एक प्रमोशन करते और ऐप में ये ऐप में बेटिंग चलता है ये एडवर्टाइज करते और उसके तहत ये जो लोग और उसके जो हिडन नेटवर्क भी रहता है, ओपन नेटवर्क भी रहता है, तो उसमें ये मोबाइल फ्लैश करते और वो मोबाइल नंबर के ऊपर ये लोग जो है कस्टमर है वो उसके ऊपर बेटिंग लगाते हैं। तो इसमें जो बेटिंग लगाने वाले हैं वो फिर ये जो हमारे जो आरोपी है वो अलग अलग ऐप में वो पैसा लगाते हैं और उसका जो हायर लेवल के बुकी रहते हैं वो उसके ऊपर पूरा ये सिस्टम चलाते हैं। तो इसमें वही है कि जो 12 मोबाइल पकड़े गए हैं,
कस्टमर से बात करने के लिए, कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन लेके ये पैसा इन्वेस्ट करना और उनको कॉन्वर्सेशन करना, इसलिए अलग अलग मोबाइल हर एक ऑपरेटर के पास रहता है। तो ऐसी ये सिस्टम चलती है। ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या, ट्रांजेक्शन किससे किससे निकलवाया सर? इसमें जो ये आरोपी छत्तीसगढ़ के है, यहाँ पे इन्होंने लिया था कोंडगांव के हद्दी में एक होटल बुक करके वहां पे वो कर रहे थे। तो ये सीजनल जो बेटिंग रहता है, आईपीएल चला या कोई बड़ा मैचेस चले तो ये अलग अलग लोग यहाँ पे आके या इंडिया के कोई भी कोने से ये बेटिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, और ये छोटे मोटे व्यापारी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में है जिनके शॉप्स वगैरह है और यहाँ पे आके वो ये काम करते हैं, ऐसा इनका बैकग्राउंड है। सर ये जो इसमें ऐप वापरे जा रहे हैं, ये ऐप इनके खुद के बनाए हुए हैं या उसकी कोई कंपनी? नहीं, इसमें जो ऐप बनाए जाते हैं वो हायर लेवल पे बनाए जाते हैं। ये जो बेटिंग करने वाले हैं ये लोग उनसे परचेस करते हैं ऐप और ये इंस्टॉल करते हैं, और उसके कुछ परसेंटेज ऊपर के जो ऐप बेचने वाले हैं उनको भी उसका पैसा जाता है, ऐसा ही ऐप का सिस्टम रहता है। तो इसके तहत ये ऐप परचेस करते हैं, मतलब यूज़ करने के लिए उसके चार्जेस रहते हैं, ऐप इनका नहीं रहता है लेकिन ऐप ऊपर का रहता है। सर जो इन लोगों को ये जो कंपनी ऐप दे रही है जो अपना चार्जेस लगा के, तो उन निश्चित लोगों रूप से इनका जो जो कंपनीज इनको जो ऐप प्रोवाइड कर रही है, ऐप के जो भी ओनर रहेंगे, क्रिएटर रहेंगे, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कितने आरोपी और इसमें कोई बड़ा रैकेट आने की संभावना है क्या? अभी 3 आरोपी फिलहाल हमने अरेस्ट किए हैं और कुछ आरोपी रिवील हो रहे हैं। और भी मतलब रैकेट तो 100% ये बेटिंग में रहता है, वही इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा और उसमें कुछ और भी आरोपी इसमें अरेस्ट होने की संभावना है।